मजेदार शुतुरमुर्ग। भीगी बिल्ली। अब मेरी बारी है। मैं जीत गई। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन और चार। लिली, आराम से, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, तुम गिर जाओगी। मैं नहीं बैठ सकती जब तक मैं अपने स्ट्रेचेस पूरे नहीं करती। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे भी स्ट्रेचिंग पसंद है। और लिली, लिली, ये क्या हुआ? ओ, देखो कोई आसमान से टपक गया, कितना मजा आ रहा है बाप। तुम कौन हो? मुझसे दूर हटो, मैं यहाँ कैसे पहुंची? वाह वाह वाह, अगर मैं तुझसे दूर हटा तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा? आपूर गैस है और ये है कोलुंडा, ये पाइप और ड्रम का मास्टर है। मैं लिली हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। हे, तुम यहीं रहते हो? हाँ, ये जंगली चापून का शानदार घर है, हमारा प्यारा घर। क्या तुम मुझे प्लीज बताओगे यहाँ सबसे ऊंची जगह कौन सी है? मुझे सच में ढूंढनी है। वो यहाँ से दूर नहीं है, अपन तुझे वहाँ ले चलेंगे। तुझे पता है अपन और कोलुंडा बस लंच की तैयारी कर रहे थे। अगर पहले अपन खाना खा ले तो कैसा रहेगा? ये अच्छा रहेगा, खाने के लिए हमेशा तैयार। तो तुम यहाँ क्या खाते हो? मुझे तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है खाने के लिए। अरे अपन के साथ आना, अपन की छोटी दोस्त। अरे अपन को पता है ना कैसे ढूंढने का अच्छा खाना, कोलुंडा। देखो ये गैस और कोलुंडा है। ए, ये गैस है हमारे पीछे, देखो तो। वो देखो, ला ला ला। पर उसके साथ कौन है? लाला है। क्या सुर है, क्या डांस है, आओ अपन का ग्रुप देखो लिली। मैं देख सकती हूँ? तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, साथ में आ जाओ, वहाँ खाना है। अपनी मदद खुद कर, तू इसके लायक है, चल आगे बढ़। अच्छा अच्छा, फिर से वो बेवकूफ हमारे परिवार को शर्मिंदा करने आ गया है और अपनी बेहुदा गाने दर्शकों के लिए गाने लगा। इसलिए उसे नहीं अपनाया जा सकता। और उसके वो सारे बेकार के डांस, बहुत ही बेकार। और उसकी हिम्मत देखो, हम पर हंस रहा है। वैसे सिर्फ तेरे पे और तेरी तितली पे। उठो और मेरे जंगल से दफा हो जाओ। पर ये सही नहीं है, तुम गैस को नहीं निकाल सकते, वो तुम दोनों जैसा ही है। ठीक है फिर। हम सम्मानित पक्षी हैं, अगर केस यहाँ रहना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो एक सम्मानित शुतुरमुर्ग है। पर वो ये कैसे करेगा? उनमें से एक को हराना ही होगा, बोले तो परंपरा के अनुसार शुतुरमुर्ग प्रतियोगिता में। और अगर तुम जीतते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा और हमें परेशान करना बंद करना पड़ेगा। और क्या होगा अगर तुम हार गए? हम लिली दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं हर एक दिन। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हें कैस के साथ डांस करना होगा।
तुम चाहती हो कि हम जैसे सम्मानित शुतुरमुर्ग पागल पंछियों की तरह नाचें? ऐसा कभी नहीं होगा, ये जोकर जीत ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे जैसा भी हो अपन तो कोशिश करेगा ही। देख के बहुत मजा आएगा इन शुतुरमुर्गों को अपन के दोस्त कुलुंडा के म्यूजिक पे डांस करते हुए। मैं घोषणा करता हूँ कि मैच पवित्र फीकस पेड़ के पास होगा। लिली, 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 हेलो, हेलो, लिली, जवाब दो। शायद हमें उतरना चाहिए। पर कहाँ, यहाँ उतारने की तो कोई जगह ही नहीं है, ये पेड़ों से भरा हुआ है। यारा, चलो थोड़ा नीचे उड़ते हैं। ठीक है। आज हम सब यहाँ आए हैं एक मुद्दे के लिए कि काश एक शुतुरमुर्ग कहलाने के लायक है या नहीं। इसके पीछे एक कहानी है कि बहुत साल पहले हमारे जंगल में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। बहुत सारे मतभेद और झगड़े होते थे। कोई पानी निकलते छेद को लेकर लड़ता था, कोई कहां सो इसे लेकर लड़ता था, और दूसरे क्योंकि वो अपना खाना नहीं बांटते थे, और झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता था। जंगल का सबसे समझदार जीव एक शुतुरमुर्ग, जैसा कि कहा जाता है, उसने जंगल को सभी जानवरों के लिए एक ईमानदार जज बनने को कहा, और जंगल ने शुतुरमुर्ग की बात मानी, और पलक झपकते ही एक पवित्र वृक्ष धरती से निकल आया। वो एक समझदार पुराना पेड़ था जो हर झूठ का सच बता सकता था। अपने मजबूत तनों के साथ वो बिना गलती के सच पहचान सकता था और किसकी गलती है, और फिर पूरे जंगल में शांति हो गई। बहुत हो गई कहानी, ये कुछ नहीं बस एक पुरानी कहानी है। चलो अभी अब शुरू करते हैं और इस बेवकूफ को जल्दी से जंगल से बाहर निकाल फेंकते हैं। ऐसी बात है तो फिर सबसे महान और हमेशा जीतने वाले शुतुरमुर्ग ही जीते। मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगा। हाय, ये अपुन का भी जंगल है। कैश, चलो, तुम कर सकते हो, ये बस डांस करने जैसा है। कम ऑन, डांस करो। क्या? Yes, dance करो। अब हम भी देखते हैं कि यहाँ पर असली शुतुरमुर्ग कौन है। हमारे नियमों के हिसाब से काश को जंगल छोड़ देना चाहिए। पर ये सही नहीं है, मैं फंस गया था। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई बुरी तरह हार गया है। क्या किसी ने भी तुम्हें फंसते हुए देखा? तुमने देखा? किसी ने भी कुछ नहीं देखा। तुम एक सिर्फ बेवकूफ हो और झूठे भी। मैंने उसे फंसते हुए देखा, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो फाइकस से पूछते हैं, वो बताएगा कौन झूठा है। फीकस, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। तुम बेवकूफ हो छोटे जानवर, चलो भी। क्या तुमने सच में उसे फंसा दिया है? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि गाना और नाचना जीतने के लिए झूठ बोलने से अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं गलत था, मुझे माफ करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। खास स्वागत है तुम्हारा हमारे साथ रहने के लिए। मुझे लगता है शायद तुम एक और नियम भूल रहे हो, है ना? लिली कहाँ है? लिली, लिली, हेलो,
ये सब मेरी गलती है। हे दोस्तों, वो देखो, वो वहाँ है। ले आपको तो मार नहीं पड़ेगा, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक रहस्यमयी मेहमान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम ये कर सको। तेंदुए कभी उड़ नहीं सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेंदुओं के पास पंख नहीं होते, कम से कम आज से पहले तो नहीं। लियो, तुम्हें वो पंख आखिर चाहिए ही क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा किस लिए? चलो उन बाज के साथ उड़ते हैं, हम पूरे जायगा को देख पाएंगे। ओ जेक, मेरे साथ चलो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी बाजों के साथ उड़ चुका हूँ, वो बहुत था। अगर तुम कहते हो तो मैं तो उड़ने वाला हूँ। तुमने देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था तेंदुए उड़ नहीं सकते। शायद मेरे पंख थोड़े छोटे हैं, मुझे थोड़े बड़े पत्ते चाहिए। लियो, क्या तुम पत्ते उठाना बंद करोगे? चलो चलकर खेलते हैं। ठीक, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, तुम्हारा उड़ना खत्म हो जाए तो आकर खेल लेना। मेरे पंख वाले दोस्त। वाव! अरे कितना कमाल का है। ठीक, ठीक, रुको। ओ, लियो, तुम्हारा उड़ना बंद हो गया। ठीक, पता है मैंने क्या देखा अभी अभी आकाश में? बहुत बड़ा था, बड़े पंख वाला। क्या वो उल्लू था? नहीं, वो उल्लू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बड़ी सी चीज थी जो उड़ रही थी, और वो लकड़ी की बनी हुई थी, और वो अभी अभी वहाँ पर गिरी। तुम मजाक कर रहे हो, तुमने लकड़ी का पंछी देखा? ये बहुत हो गया लियो, तुम सिर्फ और सिर्फ उड़ने के बारे में सोच रहे हो। विश्वास नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा अकेले ही। वाव! वो देखो, लकड़ी का पक्षी। ये पत्तों से तो काफी बेहतर है। बहुत दिलचस्प, पर इसे बनाया किसने होगा? ओ, 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 और ये क्या है? पैरों के निशान, कितने अजीब है ये, है किसके ये? ये क्या है, ये क्या है जो मैं अभी सूंघ रहा हूँ? ये तो कोई तेंदुए का बच्चा लगता है। बाकी कुछ और भी है, कुछ नया। ये ऐसी खुशबू है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जल्दी करो ना, कमांड मेरी बारी है अब। रुको जरा, थोड़ी देर और रुको। ये बहुत मजेदार है। जेक, तुम तो हमेशा झूलते रहते हो, अब हमारी बारी है। तुम यहाँ हो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। तुम कभी सोच नहीं पाओगे मैंने क्या देखा। एक बड़ा पक्षी, लकड़ी से बना हुआ। वो एक बहुत बड़ा पक्षी था, वो आसमान में उड़ रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ। लकड़ी का बना बहुत बड़ा पंछी। रुको, लियो ने भी वही देखा था, पर मैंने विश्वास नहीं किया। सच में? पर लियो है कहाँ? वो दलदल की तरफ गया है, उस बड़ी उड़ती चीज को ढूंढने, और उसने कहा वो वहाँ है। वो दलदल में था, मापा ने मुझे बताया कि वो दलदल में था, और उसने भेड़िये को देखा। भेड़िया? लियो वहाँ अकेला है, जल्दी करो, चलो चलते हैं, हमें लियो को बचाना होगा। लियो, लियो! हाय देयर, बढ़िया था, कितनी बड़ी छलांग। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैसे कुछ नहीं, मैं लियो हूँ। मैंने तुम्हारी बड़े पंखों वाली चीज आसमान में उड़ते हुए देखी। तुम रो क्यों रही थी? मैं रो नहीं रही थी, ठीक है।
हम बंदर है रखवाले दल के, हमने नहीं सीखा कभी रोना बैठ के। कौन है यहाँ? ओह, एक नया छोटा जानवर जो बहुत ही स्वादिष्ट महक रहा है। ये तो मेरा पुराना दोस्त है, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जल्दी दौड़ो। इस बार तुम बच के नहीं जा सकते। इस तरफ, यहाँ ऊपर आ जाओ। क्या हुआ, ऊपर नहीं चढ़ सकते? शायद नहीं, पर मैं चबा सकता हूँ। लियो, लियो कहाँ हो तुम? वो मेरे दोस्त है, वो जल्दी आ पहुँच जाएंगे। सच में क्या ऐसा है? तुम्हारा मतलब वो मोटा सुअर, वो स्वादिष्ट नेवला, वो बनबिलाव और बाघ का बच्चा? बहुत अच्छी खबर है ये। ओ नहीं, जेक, मीला। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त इन्हें डरा सकते हैं? हमें उन्हें आगाह करना पड़ेगा। यारा, कुबा, वहाँ से दूर रहो। और जोर से चिल्लाओ तेंदुए के बच्चे, ताकि वो यहाँ और जल्दी आए। अब क्या करें हम? मैं जाकर उन्हें आगाह करती हूँ। वैसे मेरा नाम लिली है। कोई बात नहीं, वो वैसे भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, पर मैं इस तेंदुए के बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ। क्या किया? यही है वो बड़ी लकड़ी वाला पक्षी। ये चीज तो काफी बड़ा है। लियो कहाँ है? शायद जो भी इसे उड़ा रहा था उसने उसे पकड़ लिया होगा। ठीक है, मुझे बताओ तुम लियो को कहाँ लेकर गए हो? छोड़ दो, तुम्हारा दांत टूट जाएगा। वो कहते हैं कि तेंदुए को खाना अशुभ होता है, जो भी उसे खाता है वो अपने सारे बाल खो देता है। ये सच है, गंजे होने से अच्छा है कि तुम भूखे रहो। रुको लियो, हम आ रहे हैं। देखो, हम उड़ रहे हैं। लियो, कूदो। ये लो, लियो, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अच्छी बात ये है कि हम उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बताओ हमें, लिली, तुम जंगल में कैसे पहुंची? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। पुराने जमाने से हमारे बंदरों का दल जंगल के खजाने की रखवाली करता आ रहा है, पर एक दिन किसी ने खजाने को पाने की कोशिश की और खजाना चुरा लिया। तो फिर मेरे पिताजी बंदरों के राजा ने सोचा कि जंगल के खजाने को कहीं गुप्त जगह पर छुपाना चाहिए, किसी द्वीप के नदी के किनारे, क्योंकि तुम वहाँ सिर्फ उड़कर ही पहुँच सकते हो। और इसलिए मेरे पिताजी ने एक उड़ने वाला जहाज बनाया और मैं उसे उड़ाना चाहती थी। तो एक रात जब सब सो रहे थे, मैं उस पर चढ़ी और उड़ाने की कोशिश की। मैं बस एक बार उड़ाना चाहती थी, पर फिर बहुत जोर का तूफान आया और मुझे अपने साथ बहाकर कई दिनों तक उड़ाता रहा। वो तूफान आज ही खत्म हुआ, पर मुझे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं हवाई जहाज को उतार सकूँ, क्योंकि मैं उसे खुद से नहीं घुमा सकती थी। पर अब मेरी वजह से मेरा घर खतरे में है। और खजाना भी, सब मेरी गलती है। इतने दुखी मत हो मेरे छोटे प्यारे बंदर। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम अपने घर कैसे पहुंचोगे। सच में
मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मैंने सुना उसने कहा कि सुरक्षा दल के छोटे बंदर बहुत ही दूर दक्षिण की तरफ रहते हैं। तुम्हें बहुत दिनों के लिए उड़ना पड़ेगा तो सूरज की रोशनी तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। जब तक तुम सच्चे दोस्तों के साथ प्रवास करोगी सुरक्षित रहोगी, भले ही तुम्हारी यात्रा तुम्हें कहीं भी लेके जाए। पर मैं ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ ढूंढूं? मेरे साथ कौन उड़ेगा? हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, सुनो लिली, ये खजाना किस तरह का खजाना है? ये एक राज है, सिर्फ दल के पूर्वज इसके बारे में जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो चमत्कार की तरह काम करता है। वह मेरे लिए भी चमत्कार कर सकता है। वह खजाना मेरा होगा, हमें वहाँ जाना होगा। तुम सुन रहे हो, हमें वहाँ जाना होगा इससे पहले कि स्पॉट्स और स्ट्राइप्स वहाँ पहुँचे। स्पाइक, लेकिन बताओ आप उन लोगों सब करेंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है? उड़कर। लियो, पकड़ो। ए क्यूबा, पकड़ो। क्यूबा, तुम सच में एक पिग हो। ओ क्यूबा, इधर उधर लुढ़कना बंद करो, चलो खेलते हैं। क्यूबा प्यार में है। तुम वही रहोगे? ओ, उसे देखो, एक पिगी। मैंने पहले उसे नहीं देखा। मैं उसे जानता हूँ, सचमुच ये लाडा है। उसका परिवार हाल ही में हमारे जंगल में आया है। ये हमारे क्यूबा की तरह दिखती है, देखो उसे, उसे प्यार हो गया है। प्यार, मैं देख सकता हूँ मेरे दोस्त कि तुम्हारे दिल में एक अनोखा प्यार पल रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यार भरी कहानी सुनाऊं? एक समय की बात है, हमारे टैगा में एक हंस राजकुमारी रहती थी, काफी सुंदर। उसके तीन चाहने वाले थे। पहले वाले ने समंदर की गहराई में डुबकी लगाया और मोती लेकर आया और बोला, देखो मैं कितना अच्छा गोता लगा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और दूसरे ने सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर उड़ान भरी और चोटी से कीमती हीरा लेकर आया, देखो मैं कितनी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ। फिर तीसरा हंस सोचने लगा कि वो राजकुमारी को कौन सा गिफ्ट देगा। फिर वो काफी दूर तक उड़ाता कि राजकुमारी के लिए बेस्ट गिफ्ट ला सके। उसने लगभग हार मान ही ली थी, लेकिन एक दिन ग्लेड के ऊपर से उड़ते हुए उसे एक स्नो ड्रॉप दिखाई दिया। उसने राजकुमारी को स्नो ड्रॉप देते हुए कहा कि बसंत का पहला फूल ही राजकुमारी की सुंदरता के लिए योग्य है। और फिर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया। तीसरे हंस को राजकुमारी का प्यार मिला, क्योंकि बाकी दोनों हंस की तरह वो खुद के लिए नहीं सोच रहा था, बल्कि राजकुमारी के लिए सोच रहा था। हाँ? तो क्या, मैं समझा नहीं, मतलब क्यूबा को भी उसे स्नो ड्रॉप देना होगा? ये स्नो ड्रॉप का मौसम नहीं है। ये स्नो ड्रॉप्स के बारे में नहीं है। शर्माओ मत, बस अपने प्यार के पास जाओ, अपने दिल से कुछ करो, बस इतना ही काफी है। क्यूबा, रुको। कुछ लोग बेशक महान होते हैं, पर तुम जानते हो, तुम हंस नहीं हो। तुम उसके पास ऐसे नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। क्यूबा, तुम सर से पूंछ तक कीचड़ में लिपटे हुए हो,
निराश मत हो क्यूबा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें हंस तो नहीं बना सकता, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सुअर जरूर बना सकता हूँ, ठीक है? ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्यूबा रुको, सुंदरता की एक अलग ही कीमत होती है। ये हुई ना बात क्यूबा, अब तुम जंगल के सबसे सुंदर सुअर लग रहे हो। रुको, ये अभी काफी नहीं है। क्यूबा तुम साफ लग रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ खाली सा है, जानते हो? तुम परेशान मत हो, क्योंकि हम तुम्हें तैयार करेंगे। बात अब काफी बेहतर है, बिल्कुल हंस की तरह। याद रखना, तुम टैगा के सबसे सुंदर सुअर हो, सबसे ज्यादा सुंदर। अब जाओ। परेशान मत हो क्यूबा, लड़कियों को सुंदरता के बारे में कुछ नहीं पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस फैंसी लुक से अट्रैक्ट ही नहीं हुई? सही कहा, फिर हम कैसे, मेरा मतलब है क्यूबा उससे मिल पाएगा? उसे कुछ प्रभावशाली काम करना चाहिए, हीरो की तरह, कोई करतब। मिल गया, क्यूबा एक भेड़िया से लड़ने का क्या ख्याल है? कैसा रहेगा तेजी से क्रॉस करना? और क्या तुम एक बड़े चट्टान से कूदना चाहते हो? ये काम नहीं करेगा लियो, क्यूबा हर चीज से डरता है। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम जाओ वही रहो पिगी, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। वाओ। ओ नहीं, ये तो भेड़िया है, चलो भागो। चिंता मत करो, हमारा क्यूबा बहुत बहादुर है, किसी भी भेड़िये को हरा देगा, पूरे झुंड को भी। नहीं नहीं लाडा रुको, बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें घी रहो। मैंने तुमसे कहा था ये काम नहीं करेगा। मैं सूंघ सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। एक तंदुरुस्त और स्वादिष्ट खाना। भाई रुको। अब चलो भी क्यूबा, किसे पड़ी है, वो बस एक पिगी है। वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, तुम जानते हो तुम बहुत
बहुत। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम लोग बच नहीं पाओगे मुझसे। लगता है हमें देर हो गई। मैं समझा नहीं, तो क्या क्यूबा ने भेड़िये का पीछा किया? तुम डर गए होगे, मुझे यकीन है। मैं? बिल्कुल नहीं। कभी एक समझदार आदमी ने कहा था, अपने आप पर भरोसा रखो और एक दिन किसी के दिल का दरवाजा जरूर खुलेगा। जले हुए जंगल का राज। मैंने कर दिया। अरे, मैंने कर दिया। तुम भी ना टेक। अब मुझसे ऐसे बात मत करो, उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे, पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो, मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम तीन हम दो होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टेक, खेलने दो ना, अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे, वहाँ देखो घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है, चुप रहो ना तुम, ना चिल्लाओ। मार्टिक हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे, पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टियर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर, आप बूढ़े पेड़ तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं, मारती क्या है गहरी नींद में, छोटी गैलरी अच्छे से सो, अपनी छोटी आंखें बोल लो, लारिया पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा, शक्तिशाली जंगल का प्रे, वो रातों में डराएगा नहीं, सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से, ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा जंगल।
से सब है खामोश, चांद है ऊपर बालों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया? सच में मैंने खुद ही गाना सुना था। माटी, तुम्हें पाइनकोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए। मैं सारा इकट्ठा करूंगा, फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना, ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यूबा शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। देख रुको, पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई फास्ट तरीका नहीं पता है, पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरण कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है, लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह मापा पेंडिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा, क्या पता अभी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टेक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टेक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। ये तो राक्षस है। भागो भागो। नहीं। मार्टे, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कौन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उसे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 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 नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ, ये जादुई पाइन कौन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं,
नहीं, ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कुन अपना काम करेगा। मैटी, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। अपने पर से उड़ रहा शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं, सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से, तुम्हें सुंदर जंगल, ये जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है, ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे, वाव, ब्यूटीफुल। हुर्रे। हम इतने बचा लिए पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अब शकुन, ये गलत बात है, तुमने मुझे फिर ढूंढ लिया। मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। देखो देखो, क्यूबा ने स्पाइक को फिर से ढूंढ लिया। कितनी बुरी बात है, स्पाइक कभी छिप ही नहीं सकता। क्या क्या मतलब मैं नहीं छिप सकता? अभी दिखाता हूँ कैसे छिपते हैं। इस बार ढूंढ कर दिखाओ तो मानू। ये तो काला मेंढक है। क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, काले मेंढक का दिखना अब शकुन होता है। अब शकुन होता है, मान लो। काला मेंढक, हटो, पीछे हटो, चलो यहाँ से। काला मेंढक, भागो, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, भागो, ये पास नहीं आना चाहिए, भागो, भागो, भागो। ये झूठी बातें हैं। काला मेंढक तो क्या, ये बस अंधविश्वास है। हमें इन बातों पर भरोसा नहीं है। चलो, हमें चलना चाहिए। चलो चले। जरा देखो इसे, ये सुंदर बन गई ना। रहने दो, तुम लोगों को सुंदर दिखने का मतलब ही नहीं पता है। क्यूबा, क्या तुम ठीक हो? लियो, कहीं उसने जो कहा था वो सच निकला तो? तुम लोग क्या बोल रहे हो? एक काला मेंढक क्यूबा पर चढ़ गया और स्पाइक ने कहा कि ये उसके लिए अपशकुन है। एक काला मेंढक?
हाँ, असल में मैंने इस पर एक कहानी भी सुनी है। कहानी है दलदल के डरावने राक्षस की। जंगल की अंधेरी काली रात में एक काली गंदे से दलदल में एक डरावना भद्दा सा राक्षस रहता था। और उसके होने से जंगल में हर एक जानवर पर सिर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। फिर टाइगर के ईश्वर ने फैसला किया कि वो उसे सजा देंगे और उन्होंने उसे बदल दिया एक अजीब से काले मेंढक में। लेकिन मेंढक बनने के बाद भी जंगल के वासियों को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो मेंढक उन सब की जिंदगी तबाह कर देता था जो भी उसके सामने से गुजरता था। वाओ! इसका मतलब है क्यूबा बहुत ही जल्द का। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना है कि श्राप एक दिन में टूट जाता है। आज की रात तक अगर क्यूबा को कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? शांत हो जाओ, इसे कुछ भी नहीं होगा। हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। अपनी आंखें खुली रखना। चिंता मत करो। वैसे याद आया, एक और चीज अपशकुन होती है, पता है? क्यूबा, इसे मत खाओ। अगर ये खराब हुआ तो? ये बात सब जानते हैं। जो भी पुराने बासी खराब नट्स खाते हैं, उनके सर पर एक बड़ा पेड़ उग जाता है। मैंने ये बात मैट पाई से सुनी थी। तो क्यूबा, हर एक कदम फूंक कर रखो। अब सीधे कल खाना। क्यूबा, तुम कीचड़ में नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं पता इसमें बुरी आत्माएं रहती है? रुक जाओ, इसके अंदर ही वो लोग कहीं छुपे हुए होंगे। क्यूबा, संभल कर, घास में तुम्हें सांप मिलेंगे। डरने की जरूरत नहीं है क्यूबा, हम हैं ना। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। देखो क्यूबा, सूरज ढलने ही वाला है, कल तुम्हारा ये श्राप पूरी तरह टूट जाएगा। बस एक रात की बात है क्यूबा। हाँ, और मैं यहाँ एक सुरक्षित जगह जानता हूँ। क्या बात है टेक, तुमने तो कितनी अच्छी गुफा ढूंढ निकाली। यहाँ पर क्यूबा को कुछ भी नहीं हो सकता है। सही कहा तुमने। क्या तुमने गुफा के राक्षस की कहानी सुनी है? नहीं टेक। चलो मैं सुनाता हूँ। और फिर अचानक राक्षस वहाँ से कूद जाता है। क्यूबा रुको। क्यूबा रुको। क्यूबा रुको।
कहानी सच्ची होगी। देखो ना आज क्यूबा के साथ कितने अजीब घटनाएं हो रही है। जेक, हमें मापा पंडिका से मदद मांगनी होगी। अच्छा, काले मेंढक की बात है। ओह हाँ, वो अपशकुन होता है। तो ये बताओ कि एक नन्हे से मेंढक की वजह से क्यूबा उस गड्ढे में आखिर कैसे गिर गया? मेंढक ने उसे नहीं गिराया, वो खुद गिर गया। वो बहुत डर गया था और तो उसे इतना डराया किसने? हाँ हाँ, किसने डराया होगा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक, मुझे लगता है हमारी कहानियाँ सुनकर क्यूबा बहुत डर गया होगा। बच्चों, जब दोस्त मुसीबत में हो तो हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, अकेला छोड़ना सही नहीं है। एक बात कहूँ, इन सब अपशकुन की वजह से मैं भी बहुत डर गया था। हमें माफ कर दो क्यूबा। क्यों ना हम लुक्का छुपी खेले? ये तो पक्का अपशकुन है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये नट्स पुराने ना हो। ठीक। ओह कम ऑन, मैं बस मजाक कर रहा था।